नमस्कार, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, सब कुछ एक साथ। कैसन बानी रवा सभे, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं सब बेहतर होंगे और पढ़ाई लिखाई भी बेहतर चल रहा होगा। किसी को किसी प्रकार का कोई भी समस्या नहीं होगा, ना ही कोई परेशानी, ना कोई दुख, ना कोई तकलीफ होगा। सब कोई मस्त तंदुरुस्त होगा, पढ़ाई लिखाई एकदम जम के चल रहा होगा। तो ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करेंगे, ठीक है? जिसमें आज ज्योमेट्री का 20वां लेक्चर है आपका। तो काफी कुछ पढ़ चुके हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि बहुत सारा चीज हमने आपको पढ़ाया, बहुत नए नए चीजों को सिखाया और आगे भी अभी सिखाने का प्रयास करेंगे हम आपको काफी सारा चीज। तो आ जाइए यहाँ पे, आज ज्योमेट्री का 20वां लेक्चर है, फटाफट सेशन को शेयर और लाइक कर दीजिए। उससे पहले यहाँ पे हम आपको कुछ बताने का प्रयास करेंगे, यहाँ पे आप ध्यान देंगे, ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करेंगे, फटाफट सेशन को शेयर और लाइक कर देंगे। यहाँ से जो टाइम टेबल है आपका, 8 बजे सुबह में हम लोग स्टार्ट होते हैं। 8 बजे सुबह में सबसे पहले मॉक टेस्ट शुरू करते हैं मैथ और रीजनिंग का, जो कि आपका आपका औकात का याद दिला देता है सुबह सुबह, ताकि आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहें। इस मॉक टेस्ट को जरूर लाइव में करें, ठीक है? मॉक टेस्ट को लाइव में करने का कोशिश करें, किसी प्रकार से 8 बजे का टाइम खाली करें और मॉक टेस्ट को लाइव में करें। बाकी क्लास जो है आप रिकॉर्डेड में करें या कुछ भी करें, लेकिन मॉक टेस्ट को लाइव में करें। ये आपको सुबह सुबह आपका औकात दिखा देता है कि हाँ आप कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, ठीक है? ताकि आप पूरा दिन मोटिवेटेड रहे। ये जो चलता है आपका इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे चलता है आपका, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। उसके बाद आपका अगला सेशन जो स्टार्ट होता है, तुरंत इसके बाद स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग 9:30 बजे से अर्थमैटिक कंप्लीट मैथ प्रो लेवल जो चल रहा है उसमें अर्थमैटिक हम लोग स्टार्ट करते हैं। अर्थमैटिक का जो क्लास चलता है वो आपका राहुल राज मैथ चैनल पे चलता है, राहुल राज मैथ चैनल पे ही चलता है, ठीक है भाई साहब? इसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो 9:30 के बाद आपको हम छोड़ देते हैं, आप आराम से खाइए पिए मस्ती कीजिए। उसके बाद फिर हम मिलते हैं रात को 8:15 पे, एक सेशन देते हैं हम आपको जिसमें कंप्लीट मैथ प्रो लेवल में ही एडवांस मैथ आपका चलता है, जिसका सेशन अभी आप कर रहे हैं, जो कि राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, ठीक है? राहुल राज मैथ यूट्यूब चैनल पे ही चलता है, ठीक है? इसके बाद यहाँ से जब आप आगे बढ़ते हैं तो रात को 10:15 पे आपका सेशन स्टार्ट होता है। थके हारे आप जब रहते हैं तो हम आपको रीजनिंग का लेक्चर दे देते हैं, और रीजनिंग जो मिलता है वो आपको इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे मिलता है, इन्फिनिटी इंस्टीट्यूट यूट्यूब चैनल पे। और इसके बाद आप आराम से रीजनिंग का क्लास करके थोड़ा बहुत रिवीजन करके आराम से सो जाया कीजिए, ठीक है? तो ये सारा टाइम टेबल है, मतलब आप देख पा रहे हैं कि मैथ और रीजनिंग के लिए आपको थोड़ा सा भी सोचने का जरूरत नहीं है। मैथ का क्लास दोनों अर्थमेटिक एडवांस आपका टॉपिक वाइज भी चल रहा है। यहाँ पे आप मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं तो आपका पीछे का रिवीजन प्रैक्टिस होते रह रहा है, रीजनिंग भी आपका टॉपिक वाइज चल रहा है, इसमें रीजनिंग का भी हम कुछ क्वेश्चन रखते हैं मॉक टेस्ट में, ताकि आपका रीजनिंग भी रिवीजन बना रहे और रीजनिंग में भी आपका फ्लो बना रहे, ठीक है? तो चलिए आइए ज्यादा देर ना करते हुए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन आपके स्क्रीन पे अब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। तो आज का लेक्चर में सबसे पहले हम आपको बताएंगे स्टीवर्ट्स थ्योरम। क्या बताएंगे? स्टीवर्ट्स थ्योरम, नाम आपके लिए नया होगा, हो सकता है स्टीवर्ट्स थ्योरम। अब स्टीवर्ट्स थ्योरम जो है ये आपको क्या कहता है, यहाँ पे ध्यान से सुनेंगे और ध्यान से बात को देखेंगे। स्टीवर्ट्स थ्योरम कहता क्या है और यह है क्या? तो जैसे कि यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बना लेते हैं, ठीक है? यहाँ पे हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, अभी ट्रायंगल ही हम लोग पढ़ रहे हैं, आप जान रहे हैं जैसा कि, ठीक है ना? ए बी सी हमने एक ट्रायंगल बना लिया, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ से हमने एक लाइन ड्रॉ कर लिया, इसको मान लेते हैं एक्स है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगा, ना ही कोई समस्या होगा। यहाँ से यहाँ तक एम ले लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक एन है, और यहाँ से यहाँ तक जो है इसको मान लेते हैं कि सी है, कोई दिक्कत है यहाँ तक? कोई समस्या नहीं होगा। यहाँ से इसको हम ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं। अब यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगा, ना ही कोई तकलीफ होगा। अब यहाँ से आपको ध्यान में क्या रखना है, तो यहाँ से इसको याद क्या रखना है, अकॉर्डिंग टू स्टीवर्ट्स थ्योरम ए का स्क्वायर का गुना करेंगे एन के साथ, किसके साथ? ए का स्क्वायर गुना में एन हो जाएगा, ए स्क्वायर एन। फिर यहाँ पे बी है तो बी का स्क्वायर का गुना करेंगे, बी स्क्वायर एम हो जाएगा, बी स्क्वायर एम। यहाँ तक कोई दिक्कत है, किसी प्रकार का समस्या नहीं होगा।
फिर ये जो एक्स है इसका स्क्वायर का गुना करेंगे इस सी के साथ, तो एक्स स्क्वायर सी हो जाएगा। ठीक है, यहां तक कोई समस्या नहीं है ना। और उसके बाद तो उसके बाद एम एन सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा उसके बाद एम एन सी हो जाएगा, तो उसके बाद प्लस में एम एन सी। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि कितने सारा चीज इसके थ्रू आप निकाल सकते हैं। यहाँ पे हो सकता है ए को गैप कर दे बाकी सारा चीज दे दे तो इससे आप ए निकाल सकते हैं, बी को गैप कर दे बाकी सारा चीज दे दे तो बी को निकाल सकते हैं, एक्स को गैप कर दे तो एक्स को यहाँ से आप निकाल सकते हैं, एम एन को गैप करे एम या एन या सी किसी को गैप करे तो आप आसानी से निकाल सकते हैं। बात समझ में आ रहा है, यहां तक कोई तकलीफ है? किसी भी प्रकार का समस्या नहीं है। अब यहां से अगर यही चीज हम इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल में बात करें, इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में, इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल समद्विबाहु त्रिभुज में, इन आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में, तो समद्विबाहु त्रिभुज में यहाँ पे ये जो ए ए दोनों ए हो जाएगा या फिर दोनों बी हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज में दोनों बराबर हो जाएगा, तो यहां से ए स्क्वायर और इसको भी हम ए स्क्वायर ले सकते हैं, तो ए स्क्वायर एम एन प्लस में बी स्क्वायर को हम ए स्क्वायर लिख देंगे, एम बराबर में एक्स स्क्वायर सी प्लस में एम एन और सी। यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, यहां तक कोई समस्या है नहीं समस्या है सर जी? अब यहां तक कोई समस्या नहीं है तो यहाँ पे ध्यान देंगे आप कि यहां से अगर हम देखें तो ये दोनों में ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ से एम प्लस एन हो जाएगा ना, और यहां से आपका देखेंगे तो सी अगर आप कॉमन लेते हैं तो एक्स स्क्वायर प्लस एम एन हो जाएगा ना, कोई दिक्कत नहीं होगा ना ही कोई समस्या होगा। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एम है और यहाँ पे एन है, एम प्लस एन क्या है सी है, यहाँ से यहाँ तक पूरा एम प्लस एन है और पूरा का वैल्यू कितना है सी है, मतलब इस m प्लस एन को हम c लिख सकते हैं, तो ए स्क्वायर इंटू में c हो जाएगा बराबर में c इंटू में एक्स स्क्वायर प्लस एम एन हो जाएगा ना, c से c आपका कैंसिल हो जाएगा, मतलब ए स्क्वायर बराबर कितना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन है, ए स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर प्लस में एम एन आ गया, कब ई आइसोस्केल्स ट्रायंगल में रहेगा। बात में समझ में आ गया, यहां तक कोई दिक्कत है नहीं है ना। अब अगर मान लेते हैं यहां से अगर आपको एक्स स्क्वायर निकालना है तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे छोड़ सकते हैं, एम एन को इधर भेज दीजिए तो ए स्क्वायर माइनस का एम एन हो जाएगा, तो यहाँ से एक्स का मान निकालिए या ए का मान निकालिए या एम एन का मान निकालिए, कुछ भी आप निकाल सकते हैं आसानी से, यहाँ तक आपको तनिक भी समस्या नहीं होना चाहिए। अब इस पे आधारित क्वेश्चन आएंगे उसको हम लोग करेंगे तो आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बशर्ते कि ई जनरल इन एनी ट्रायंगल है और ई जो है आपका आइसोस्केल्स ट्रायंगल मतलब कि समद्विबाहु त्रिभुज में है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है और नया कॉन्सेप्ट होगा इसलिए इसको याद करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसको अच्छे से नोट्स कीजिए और रिवीजन करते रहिए और एक बार लिख दीजिए मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसा कि पहला क्वेश्चन यहाँ पे आप देख पाएंगे कि क्वेश्चन नंबर वन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर वन आपके स्क्रीन पे है, क्वेश्चन नंबर 118 ज्योमेट्री में 118 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं, ठीक है, और ट्रायंगल अभी कर रहे हैं। दी गई आकृति में एसी की लंबाई पूछा गया है, एसी किधर है यहाँ पे ध्यान दीजिए, ए और सी, यहाँ से ए और सी का लंबाई पूछा गया है, ए और सी का लंबाई पूछा गया है, इसको लंबाई को यहाँ पे बी मान के चला है, ठीक है, यहाँ पे बी जो है ये जो बी है इसी का मान बताना है, बाकी सब कुछ दे रखा है, तो यहाँ से पहले इसका मान बता दीजिए कितना है, तो यहाँ से यहाँ तक 12 है आपका, 9 और 3 12 हो जाएगा, मतलब सी का मान 12 है। हमने क्या बोला कि यहाँ पे ध्यान दीजिए याद करने का तरीका क्या है, ए स्क्वायर एन और बी स्क्वायर एम, उसके बाद एक्स स्क्वायर सी और उसके बाद एम एन सी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए ये ए स्क्वायर ए के जगह पी है, तो ए स्क्वायर एन मतलब बी स्क्वायर इंटू में 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर इंटू में 3 प्लस में यहाँ से इसका स्क्वायर और एम, तो यहाँ से 6 का स्क्वायर 36 गुना में 9 हो जाएगा बराबर में एक्स का स्क्वायर गुना में सी, तो x का स्क्वायर 25 और गुना में 12 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत है नहीं है ना, x का स्क्वायर गुना में 12 मतलब 5 का स्क्वायर 25 गुना में 12 हो जाएगा, उसके बाद एम एन सी, तो 9 गुना में 3 गुना में 12, तो यहाँ से प्लस 9 गुना में 3 गुना में 12। अब यहाँ पे आपको b का मान निकालना है सिंपल सा, अब यहाँ से आ जाइए फटाफट इसको हम कर लेते हैं, यहाँ से अगर इसको गुना करते हैं तो हमको टाइम ज्यादा लगेगा, तो यहां से कुछ काटने वाला कट रहा है तो जिसको काट देते हैं,
तीन से सब कट रहा है, तीन को काट देते हैं, तीन सब में है। तो यहाँ पे तीन खत्म हो जाएगा, तीन से ही तीन बार में खत्म हो जाएगा, तीन से ही चार बार में, और तीन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे बी का स्क्वायर बचा आपका, यहाँ से 36 दिया, 108 हो जाएगा, और बराबर में यहाँ 25 चौका 100 हो जाएगा, और प्लस में 12 नवा 108 हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई समस्या होगा आपको। अब यहाँ से ई तो खत्म हो जाएगा भाई साहब, बी का स्क्वायर बराबर कितना मिला, 100 मिला सर जी। तो बी बराबर कितना आ जाएगा प्यारे लाल, बी बराबर 10 हो जाएगा सर जी। इसी का मान पूछा था ना, निकल के आ गया, कहीं कोई दिक्कत हुआ तो? सारा खेल किसका था, कॉन्सेप्ट का। बात समझ में आई कि ना आई, बता दो लोग, कमेंट कर दो जल्दी से। आगे बढ़े ना, आगे बढ़ा जाए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी और भी बहुत सारा क्वेश्चन इस कॉन्सेप्ट पे रखे हैं, टेंशन नहीं लेना है, हम समझा के मानेंगे। यहाँ से ए बी बराबर ए सी दे रखा है, मतलब भाई स्केल ट्रायंगल का कहानी है। बी सी का मान 11 है, यहाँ से यहाँ तक आपका 11 है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक आपका 11 है। ई 7 है तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ए डी, मतलब कि ई एक्सवा का मानवा बताना है आपको, एक्स जो है यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे फिर से लेके आते हैं हम आपको, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे, यहाँ पे देखिए ए स्क्वायर, मतलब ई ए और ए दोनों ए है, तो ए का स्क्वायर बराबर क्या है, एक्स का स्क्वायर प्लस में एम एन। ए का स्क्वायर बराबर एक्स का स्क्वायर प्लस का एम एन हो रहा है। तो ए का स्क्वायर मतलब की, ए का स्क्वायर मतलब कि यहाँ पे ध्यान देंगे, ए का स्क्वायर मतलब कि बराबर वाला भुजा, मतलब 8 का स्क्वायर 64 हो जाएगा। ए का स्क्वायर बराबर में एक्स का स्क्वायर, तो एक्स यही है, एक्स को निकालना है, और प्लस में एम एन, एम एन कितना हो रहा है, 7 चौक 28 हो जाएगा। तो यहाँ पे 28 हो गया, कोनो दिक्कत है, नहीं होना चाहिए, यहाँ तक कोनो दिक्कत है, यही है ना, एक्स का स्क्वायर 7 चौक 28 है, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 28 है आपका, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अभी जब 28 है तो 28 को इधर लेके माइनस कीजिए, तो एक्स का स्क्वायर बराबर 64 माइनस का 28 हो जाएगा। यहाँ पे कितना बचेगा, तो एक्स का स्क्वायर बराबर 36 बचेगा, तो एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, जो कि किधर है, ऑप्शन ए में है। बात समझ में आया, कितना आसानी से बन रहा है सारा खेल, कॉन्सेप्ट का। अगर कॉन्सेप्ट याद है तो सेकेंडों में निपटेगा, और कॉन्सेप्ट याद नहीं है भाई साहब तो फिर लटक जाओगे, टंग जाओगे, झाल बजाते रहोगे, ठीक है। तो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 119 के बाद 120 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है। त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी है, ठीक है, त्रिभुज एबीसी में एबी बराबर एसी है प्यारे लाल, बना देते हैं यहाँ पे एबीसी, एबीसी त्रिभुज एबीसी में एबीसी, एबी बराबर एसी, ये दोनों बराबर है, ओके भाई साहब। आगे कह रहा है डी बीसी पर एक बिंदु है, बीडी 5 है, डी जो है बीसी पर एक बिंदु है, यहाँ पे इसको डी मान लेते हैं, यहाँ से बीडी 5 है, ए बी जो है 12 है, ए बी जो है 12 है, ए डी जो है आपका 8 है, ए डी जो है कितना है, 8 है, तो ए डी जो है 8 है भाई साहब। आपसे सी डी का मान पूछा गया, ये भी 12 होगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, नहीं है ना, फिर मतलब की आइसोस्केल ट्रायंगल है, समद्विबाहु त्रिभुज है, मतलब की यहाँ से 12 का स्क्वायर बराबर में क्या होगा, एक्स का स्क्वायर, मतलब की 8 का स्क्वायर 64, और प्लस में एम, इसको मान लेते हैं यहाँ पे हमारा ए है, ठीक है, तो 5a हो जाएगा, प्लस का 5a, यहाँ से आ जाइए 12 का स्क्वायर 144 माइनस का 64 बराबर में 5a, यहाँ से देखेंगे तो 5a बराबर कितना मिल गया, 0, और 14 में से 6 गया 8, 5 से 16 बार में, तो a का मान कितना आ गया, 16 सेंटीमीटर आ गया, जो कि किधर है, ऑप्शन बी में है, और यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आयो कि ना आयो, बताई दो एक बार कमेंट करके फटाफट, बात समझ में आयो, आए गए ना, आगे बढ़े ना, सॉरी। यहाँ से ए का मान पूछा है, किसका मान, सी डी की लंबाई, तो सी डी ठीक है 16 हो जाएगा, कोई दिक्कत है यहाँ पे, यहाँ तक कोई समस्या है तो आप बता सकते हैं, नहीं है तो अब उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, चीजें क्लियर हो गई। आगे बढ़े ना, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाए, चलिए आ जाइए नेक्स्ट, देखते हैं आगे क्या है, आगे आ जाइए। आगे आपका यहाँ पे इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम पढ़ना है, क्या पढ़ना है भाई साहब, इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। अब यहाँ से ध्यान से देखिएगा इस चीज को प्यारे लाल, नहीं तो गड़बड़ा जाइएगा, गड़बड़ा जाइएगा तो फिर गड़बड़ाए रह जाइएगा, इसलिए इस चीज को यहाँ से ध्यान से देखना भाई साहब।
पहले एगो ट्रायंगल हमको बनाने दो प्यार से, ठीक है? कोई हल्ला गुल्ला नहीं करेगा, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आओ, एगो ट्रायंगल बना रहे हैं पहले प्यार से, ठीक है ना? कोई शोर नहीं मचाएगा, कौनो शोर मचाए तो फिर समझ लो कि हम क्या करेंगे, तुम्हारा हालत खराब कर देंगे। ये तो बड़ी समस्या है यार। चल हट इधर, ज्यादा डंडा मचाया हो तो चला जाए इधर, कॉर्नर में तू खड़ा रह, ठीक है? अब इसको आ जाओ, तुम काहे नहीं आ रहे हो, ऐसे आओ ना, समझते नहीं हो यार बात को, सब पीछे देख रहा है, सब कितना टाइम लगाते हो, चलो आ जाओ इधर। देखो यहाँ पे ये ट्रायंगल हो गया, सबको प्यारा सा खूबसूरत सा ट्रायंगल दिख रहा है, अब यहाँ पे आ जाओ, यहां से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो कि इंटीरियर एंगल बाइसेक्टर है, ठीक है ना? इसको हम, इसको भी हम मोटा करते हैं, टेंशन ना लो तुम लोग, ठीक है? यहां तक कोनो समस्या है? नहीं है ना? चल भाई आ जा, यहां से कोनो दिक्कत नहीं है, दिख रहा है? ये जो है यहां से एबीसी ट्रायंगल है, ए बी सी, यहाँ पे डी है, एडी जो है, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एडी इज द एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है? एडी, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है? कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है भाई साहब? समद्विभाजक है, यहां तक कोनो समस्या नहीं होगा तुमको, समद्विभाजक है, एडी कोण ए का समद्विभाजक है, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान देखो कि यहां से समद्विभाजक है तो ई वाला जो तुम्हारा कोण होगा, ई वाला, ई भी थीटा होगा और ई वाला भी थीटा होगा, ठीक है? तो जब भी एंगल बाइसेक्टर रहेगा तो ई जो तुम्हारा जो एडी को बीडी जो डिवाइड होगा ना, ई ए बी और एसी का रेशियो बराबर रहेगा, ठीक है? मतलब क्या है सर जी? मतलब सिंपल सा तुमको इसमें इतना याद रखना है कि जब भी एंगल बाइसेक्टर दे दे तो ए बी इधर वाला साइड और इधर वाला साइड, ए बी बटे में ए सी, ई जो होगा तुम्हारा बराबर होगा बी डी बटे में डी सी के, बी डी बटे में डी सी के बराबर होगा भाई साहब। समझ में आयो कि ना आयो? आई गए हो ना? समझ में आ जाना चाहिए एकदम बढ़िया से। अगर समझ में नहीं आया तो बड़ी मार मारेंगे हम, ठीक है? समझ में नहीं आया तो बड़ी मार मारेंगे, याद रखना, यहां पे ध्यान दो, ठीक है? यहां पे आ जाओ, यहां पे आ जाओ भाई साहब, इसको समझ लो एकदम बढ़िया से, हम कर दे रहे हैं, ठीक है? ताकि तुमको बढ़िया से एकदम दिखाई दे साफ साफ, ये दिख रहा है, इसको तुमको याद रखना है बढ़िया से। ए बी बटा ए सी जो है बी डी बटे डी सी के बराबर होगा, कब? जब भी एडी जो है एंगल बाइसेक्टर रहेगा इन एनी ट्रायंगल, किसी भी त्रिभुज में। इसको याद रखोगे, इतना सारा क्वेश्चन हम लोग करेंगे इस पे कि तुम उम्मीद नहीं कर सकते हो, सोच नहीं सकते हो कि कितना सारा इस पे हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है? तो इसको यहाँ पे ध्यान दो कि इसे क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ यहाँ पे ध्यान से देखो, ठीक है ना? चलो तो भाई साहब यहाँ पे आ जाइए, अब इसको हम करना शुरू करते हैं, क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना? तो चलिए इसको हम क्वेश्चन पे लेके चलते हैं आपको, यहाँ पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर वन यहाँ पे आपके स्क्रीन पे, त्रिभुज एबीसी में एडी जो है कोने का समद्विभाजक है, ठीक है? जो बीसी से बिंदु डी पर मिलता है, डी पर मिला, यदि बीडी बराबर 3.6 है और बीसी बराबर, बीसी आपका कितना है? बीसी, बीसी यहाँ पे 8 है भाई साहब, बीसी जो है, ए करोगे तंग, बीसी जो है आपका 8 है, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहां से यहां तक कितना है? 8 है, ये 8 हो जाएगा। उसके बाद कह रहा है कि ए बी और ए सी का अनुपात बताएं, ए बी और ए सी, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इस क्वेश्चन में ई वाला जो है आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, ई वाला जो है आपको लिखा हुआ नहीं है, ठीक है ना?
अब यहां से आप ध्यान देंगे, सबसे पहले का काम क्या करना है कि हमको एबी और एसी का रेशियो बताना है। यहाँ पे ही पता चल गया कि एडी जो है एंगल बाइसेक्टर है, एडी क्या है कोण समद्विभाजक है। तो ये जब 3.6 है और यहां से यहां तक टोटल 8 है तो ये 4.4 होगा, ठीक है ना, कितना होगा 4.4 होगा। अभी हम आपको क्या बताए हैं कि ए बी बटे ए सी जो है वो बराबर होगा किसके, बी डी बटे में डी सी के बराबर होगा, बी डी बटे में डी सी के बराबर होगा। भाई साहब समझ में आ रहा है ना, किसी को कोई दिक्कत है? ये चीज हम आपको बार बार बता रहे हैं कि इसको याद कर लो, ना याद करोगे बाद में बड़ी पछताओगे, ठीक है, बाद में क्या होगा बड़ी पछताओगे। तो यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे आ जाओ फटाफट, इसको याद कर लो बढ़िया से, ठीक है, इसको याद रखना है, ठीक है ना, इसको बढ़िया से याद रखना है। अब यहाँ पे देख लो क्या कह रहा है, ए बी बटा ए सी का रेशियो बताना है। तो ए बी बटा ए सी जो कहते हो रहेगा ए बी बटे में ए सी और बराबर में यहाँ से बी डी कितना है, बी डी 3.6 है सर जी, 3.6 बटे में 4.4 है, बटे में 4.4 रेशियो खत्म हो जाएगा। 4 से काट दो 9 बार में और 4 से काट दो 11 बार में। ए बी बटे ए सी कितना आ गया भाई साहब, ए बी बटे ए सी आ गया आपका 9/11, ए बी बटे ए सी आ गया 9/11, मतलब कि ए बी अनुपात ए सी कितना हो गया, ए बी अनुपात ए सी आपका कितना हो गया 9/11 हो गया, 9/11 हो गया और यही आपका आंसर हो जाएगा 9/11 जो कि ऑप्शन डी में है। बात समझ में आ गया, कोनो प्रकार का तकलीफ है, कोनो प्रकार का समस्या है तो आप बता सकते हैं और नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है, यहां तक सब बढ़िया है, नेक्स्ट पे चला जाना, यहां तक कोई तकलीफ है नहीं होना चाहिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देख लिए कॉन्सेप्ट पता हो तो कैसे बनेगा ये क्वेश्चन। यहाँ पे आ जाओ, एबीसी में कोने का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है, एबीसी एबीसी ट्रायंगल बनाओ फटाफट, अब स्पीड में बनाओ इस क्वेश्चन को। एबीसी एबीसी कोण ए का समद्विभाजक बीसी से डी पर मिलता है, डी पर मिला ही दोनों कोण बराबर है, थीटा थीटा है, एंगल बाई सेक्टर है। ए बी जो है 15 दे रखा है, ए बी 15 है, ए सी 13 दे रखा है, बीसी का मान आपका बीसी बराबर कितना है यार, ये कहाँ घुस गया अंदर, बीसी का मान 14 दे रखा है, ठीक है, बीसी का मान 14 दे रखा है, यहां से यहां तक कितना है 14 है भाई साहब 14, ठीक है ना। तो यहां से ध्यान देना, आप यहां से हम क्या करेंगे, तो हमको पता है आई वी नो कि ए बी बटे ए सी जो होगा वो बराबर होगा बी डी बटे डी सी के बराबर होगा, ठीक है, और ए बी बटे ए सी कितना है, ए बी 15 है, ए सी 13 है, तो 15/13 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा बी डी बटे में डी सी के, हो जाएगा ना। तो यहां से ध्यान देना कि यहां से अगर हम लिखना चाहें तो बी डी अनुपात डी सी कितना लिख सकते हैं, 15/13 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, कोनो तकलीफ है नहीं है सर जी। यहां से अगर हम दोनों को जोड़ दे बी डी और डी सी तो क्या हो जाएगा, बीसी हो जाएगा, बी डी प्लस डी सी करेंगे तो बीसी हो जाएगा। तो यहाँ से टोटल कितना हो जा रहा है 28 हो जा रहा है और ये 28 का मान कितना दे रखा है 14 दे रखा है, कितना गुना है 1/2 गुना है, मतलब कि आधा कर रहा है सीधा सीधा। यहाँ से डीसी का मान पूछा है मतलब 13 का आधा करना पड़ेगा 6.5 हो जाएगा और अगर बीडी का मान पूछता तो 15 का आधा करना पड़ता 7.5 हो जाता। बात समझ में आ गया, कोनो तकलीफ है तो बताओ, नहीं है ना। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे चला जाना, यहां तक कोनो समस्या है, यहां तक कोई तकलीफ नहीं है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। 122 के बाद 123 नंबर क्वेश्चन देखिए, उसी पे है, टेंशन नहीं लेना है। 123 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आ जाओ भाई, 123 नंबर क्वेश्चन देख लो क्या कह रहा है, कह रहा है त्रिभुज एबीसी में एडी एंगल ए का समद्विभाजक है, एबी 5 है, एसी 7.5 है, बीसी 10 है, तो बीसी के मध्य बिंदु से डी की दूरी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है भाई साहब, आ जाओ, थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया गया है तो हमारे पास दिमाग का तो कमी है नहीं, तुम्हारे पास है कोई बात नहीं, हम दे देंगे, ठीक है ना। एबीसी ये ट्रायंगल एबीसी है, एबीसी और एबीसी में कोण ए का समद्विभाजक जो है, यहाँ पे आ जाओ, कोण ए का समद्विभाजक यहाँ पे एबी 5 है तुम्हारा, एबी 5 है, ठीक है, और एसी जो है 7.5 है, यहाँ पे ध्यान देना है बीसी जो है पूरा पूरा 10 है, बीसी कितना है पूरा पूरा 10 है, बीसी जो है पूरा पूरा 10 है। अब यहाँ पे ध्यान देना बीसी के मध्य बिंदु डी, बीसी का मध्य बिंदु यहाँ पे ले लो कहीं पे, डी ले लेते हैं, ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु कहीं पे हम ले लेते हैं, बीसी का मध्य बिंदु कहीं पे ले लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं कि यहाँ पे डी है, ठीक है, बीसी का मध्य बिंदु हमने डी ले लिया। तो यहां से पूछा क्या है
कि तो बीसी के मध्य बिंदु से डी की दूरी, सॉरी बीसी का मध्य बिंदु डी नहीं है, यहाँ पे डी जो है यहाँ पे है, डी जो है आपका यहाँ पे है और मध्य बिंदु हम मान लेते हैं कि यहाँ पे है। मध्य बिंदु कहाँ पे है? मध्य बिंदु जो है आपका यहाँ पे है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बताना है। तो यहाँ सबसे पहले हम यहाँ पे ध्यान दो कि हम क्या करेंगे, वही फॉर्मूला लगाएंगे, ए बी बटे में बी ए सी बराबर में बी डी बटे में डी सी, बी डी बटे में डी सी हो जाएगा। ए बी कितना है? पांच है और ए सी कितना है? साढ़े सात है और बराबर में बी डी बटे डी सी हो जाएगा, बी डी बटे में डी सी। यहाँ पे ध्यान देना, इसको हटा देंगे, जीरो हो जाएगा 25 से दो बार में, ये तीन बार में। तो यहाँ से बी डी रेशियो डी सी कितना हो जाएगा? बी डी रेशियो डी सी, यहाँ से दो रेशियो तीन हो जाएगा सर जी। यहाँ से टोटल कितना आ गया? टोटल आपका पांच हो गया। तो यहाँ से पांच का वैल्यू कितना दे रखा है? दस दे रखा है, मतलब ये चार हो जाएगा और ये छ हो जाएगा। तो बी डी चार हो गया और ये छ हो गया। यहाँ पे ध्यान से देखो, बी डी जो है आपका चार हो गया और यहाँ से यहाँ तक छ हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक छ हो गया और यहाँ से यहाँ तक चार हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक आपका चार है। अब आपसे पूछा क्या है कि डी का मध्य बिंदु से, तो यहाँ से अगर मध्य बिंदु का डिस्टेंस देखोगे तो ई कितना है? ई सर जी पांच है और यहाँ से यहाँ तक चार है, तो बचा हुआ कितना होगा? एक सेंटीमीटर। किधर है? ऑप्शन डी में है। बात समझ में आयो कि ना आयो? आ गए हो ना? आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले ना, यहाँ तक कोनो तकलीफ नहीं होगा, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होगा। तो आ जाइए 123 के बाद 124 नंबर क्वेश्चन देखिए, अभी इसी पे है। एबीसी में एडी बीएसी का समद्विभाजक है, ठीक है। एबीसी में एडी जो है एंगल बीएसी का समद्विभाजक है, तो यहाँ पे एडी बना देते हैं, पहले त्रिभुज बना लो एबीसी, ठीक है, और एडी जो है इसका समद्विभाजक है, ये एडी हो गया समद्विभाजक है, ये भी थीटा हो जाएगा और ये भी थीटा हो जाएगा। आगे कह रहा है एसी जो है आपका 21 है, एसी 21 है सर जी। आगे बीसी जो है 12 सेंटीमीटर है, यहाँ से यहाँ तक 12 है भाई साहब, ठीक है 12 है। यहाँ पे कह रहा है कि बीडी की लंबाई डीसी से 2 सेंटीमीटर कम है, तो यहाँ पे इसको बांटना पड़ेगा इन दोनों में कि ये 2 सेंटीमीटर ज्यादा है, 2 सेंटीमीटर कम। तो अर्थमेटिक में क्या बताएं कि इसको 2 घटा दो, आधा आधा बांट दो, 5 5 हो जाएगा, तो ई 5 हो गया और ई ज्यादा है ना, तो 5 2 7 हो जाएगा। कोनो तकलीफ नहीं होना चाहिए, ना ही कोनो प्रकार का समस्या होना चाहिए। यहाँ से ए बी की लंबाई आपसे पूछा गया है, तो एज यू नो कि ए बी बटे में ए सी, ए बी बटे में ए सी बराबर होगा बी डी बटे में डी सी के, बी डी बटे में डी सी के। यहाँ से ए बी बटे ए सी, यहाँ पे ध्यान देना है ए बी बटे में ए सी है और यहाँ पे बी डी बटे डी सी कितना हो जाएगा? 5/7 हो जाएगा, 5/7 हो जाएगा। तो यहाँ से ए बी अनुपात ए सी कितना आ गया आपका? ए बी अनुपात ए सी सर जी आ गया 5/7 और एसी का मान दे रखा है 21। भाई साहब एसी का मान तुम्हारा कितना दे रखा है? 21। तो इसका मान 21 है, कितना गुना है? 3 गुना है, तो इसका भी 3 गुना कर लो ना, 5 का 3 गुना करोगे कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा। और यही तो तुमसे पूछा है, ए बी का लंबाई 15 आ गया जो कि ऑप्शन बी में है। बात समझ में आ गया? कौनो तकल्लुफ है, कौनो प्रकार का समस्या है तो बताई दो, नहीं है तो कहो आगे बढ़ा जाएगा। आगे बढ़े ना, यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं है ना, तो आगे बढ़े कि आज का सभा यहीं पे रोक लें, आज का सभा यहीं पे रोक लेते हैं, काम भर का हो गया है, ठीक है। इसको करो अभी और इस पे कुछ क्वेश्चंस करवाएंगे अगले क्लास में, ठीक है ना, 2-4-5 क्वेश्चन और अगले क्लास में करते हैं। आज का सभा यहीं पे अभी समाप्त करते हैं, मिलते हैं हम आपसे कल। तो चलिए हम लोग सभा को समाप्त करेंगे, आज का यहीं पे रखते हैं और मिलते हैं हम आपसे फिर अगले क्लास में। कमेंट जरूर करके बताइएगा कि पढ़ के मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि ये जो लेक्चर चल रहा है आपका पता है कि रिकॉर्डेड चल रहा है, तो और हम अभी रिकॉर्ड कर रहे हैं आपको दे रहे हैं, फिर आप देख के मजे के साथ पढ़ाई कर ले रहे हैं, फिर हमको तो पता चल नहीं रहा है। तो कॉमेंट जरूर किया कीजिए कि मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पढ़ के कैसा लग रहा है, नया नया चीज सीखने को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। और ऐसा नहीं है कि हम कुछ उठपटांग ऐसे ही पढ़ाए जा रहे हैं आपको नया चीज सिखाने के चक्कर में, ये जितना भी चीज है ये सारा चीज आपको कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के एग्जाम्स में आए हुए हैं, तभी हम आपको बता रहे हैं। तो कुछ नया चीज हम नहीं लेके आ रहे हैं कि कोई अपने तरफ से लेके आ रहे हैं कि चलो नया नया चीज सिखाएंगे, सब मजे में पढ़ेगा और सब बेवकूफ बनाते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। सारा क्वेश्चन कहीं ना कहीं पिछले एग्जाम्स में आए हुए हैं, एग्जाम्स का नाम डालना इस बार टाइप में गड़बड़ हो गया है कि नहीं डाला पाया है, ठीक है। बाकी तो अब हम एग्जाम का नाम भी डाल देते हैं आपका सारा, लेकिन इस बार छूट गया है तो कोई बात नहीं, उसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है। जब आप क्वेश्चन बनाएंगे तब आपको पता चलेगा कि नहीं सारा एग्जाम का क्वेश्चन है।
ठीक है। तो चलिए फिलहाल हम सभा को समाप्त कर रहे हैं, लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, जरूर कीजिएगा, ठीक है। अभी के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू।